जोर गरम लिखते हैं एकदम लोक पर आकर के। हजारी प्रसाद जी भी लौरिक चंदा और चनेनी का उपयोग पुनर्नवा उपन्यास में करते हैं और उसमें बहुत सारे घटक वो तो ले आते हैं, उसमें कालिदास भी है, उसमें शुद्रक का मृच्छकटिक भी है, मगर ये चांदायर और ये लौरी की पढ़ते समय मुझे लग रहा था कि ये शिवहर है, ये रूपचंद है, ये लौरिक है, ये सारे के सारे पात्र द्विवेदी जी अपने पुनर्नवा में लेकर आए लोक की भागीदारी, एक हाँ लोक और एक बड़ा रचनाकार जी, वो कभी अपने लोग की लोक की उपेक्षा नहीं कर सकता। मैं वही कहने जा रहा हूं कि जो रचनाकार लोक से जितना जुड़ता है वो उतना ही महान होता है, उतना ही महान होता है, चाहे वो कबीर हो, चाहे जायसी हो, चाहे वो हजारी प्रसाद जी हो, या चाहे फिर मुल्ला दाऊद हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी सारी सामग्री तैयार करके लाए, मुझे वहीं रहने दीजिए बस एक शिष्य के रूप में आपके। तो हमारे विद्यार्थियों को जरूर जो है इस चांदायन का संक्षिप्त और कुछ भले ही ऊपर से ही सही, लेकिन मैडम आपने जो ये बातें बताई वो बहुत ही अच्छी रहीं और जरूर विद्यार्थी हमारे इस रचना की तरफ आकर्षित होंगे। और आपका फिर से पुनः धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। संधाम ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम सैटेलाइट ना माध्यम थी जोड़ती कड़ी एटले संधाम।